बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तारिक फूड सीक्रेट में मैं आज लेकर आया हूँ चिकन वेजिटेबल सूप की रेसिपी, जो बहुत ज़बरदस्त किस्म के बनेगी। रमज़ान के हवाले से है तो बहुत मज़े की है, तो आप ज़रूर तारिक के तरीके से बनाएं। नए देखने वाले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, पुराने दोस्त लाइक कर दें। ये आप दोस्तों की तरफ से एक इनाम और प्यार होता है। तो बहुत ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी है, फुल वॉच कीजिएगा तो बहुत मज़े की रेसिपी बनने वाली है। तो आप भी रमज़ान में बनाएं या आम दिनों में बनाएं। तो चलें रेसिपी की तरफ चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक पतीली लेंगे, इसके अंदर पानी तकरीबन 4 से 5 गिलास ऐड कर देंगे और चूल्हे की आग को ऑन कर देंगे। सबसे पहले पास्ता इसके अंदर ऐड कर देंगे, इस साइज का आपके पास कोई भी है आप ऐड कर सकते हैं। मटर है, गाजर है, इसको इसके अंदर ऐड कर लेंगे। तो इसके बाद तकरीबन 1 पाव गोश्त है मेरे पास, चिकन है, ये हड्डी के बग़ैर है तो ये ऐड कर देंगे। मेरे पास चिकन स्टॉक है, ये इसके अंदर ऐड करेंगे, मैगी का, ये इससे बहुत इसका अच्छा फ्लेवर आएगा। तो ये दो ये ऐड कर देते हैं, अगर नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। तो इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके छोड़ देंगे जब तक इसको अच्छे तरीके से बॉयल ना आ जाए। तो तकरीबन इसके अंदर बॉयल आ चुका है अच्छे तरीके से, ये मिक्स हो चुकी है। तो अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे वाइट और ऐड करेंगे, यानी दलिया ऐड करेंगे। अगर ये आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप करके आप कॉर्नफ्लावर भी ऐड कर सकते हैं। तकरीबन 10 चम्मच इसके अंदर मैं ऐड करूँगा, इसको थिकनेस के लिए, गाढ़ा करने के लिए ये होता है। तो इससे बहुत ज़बरदस्त किस्म का इसका फ्लेवर आएगा। तकरीबन 40 से 50 मिनट इसको छोड़ देंगे लो मीडियम आँच पर। तकरीबन 40 मिनट गुजर चुके हैं तो ये देखें बिल्कुल थिक हो चुका है। यकीन जाने रमज़ान के हवाले से बहुत ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी है, आप ज़रूर रमज़ान में ट्राई करें। दिन भर की जो थकावट होती है, जब बंदा ये खाता है पीता है सूप, तो बहुत इसका मज़ा आता है। तो चूल्हे की आग को बंद कर देंगे, आप एक सर्विंग बोल में ऐड कर देंगे। तो आप चेक कीजिएगा कितना ज़बरदस्त है, थिकनेस इसकी कैसी है, आपको ये कैसी रेसिपी लगी तारिक की, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताइएगा। ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, रमज़ान में बहुत ज़बरदस्त किस्म की ये रेसिपी बनेगी, सबको बहुत पसंद आएगी, सब आपको दाद देंगे। तो तारिक के तरीके से एक दफ़ा ज़रूर बनाएं। नए देखने वाले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, पुराने दोस्त लाइक कर दें। जनाब ये आपकी तरफ से एक इनाम और प्यार होता है। तो चलें सही है अगली रेसिपी तक, तारिक को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, फ़ी मानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।